सोलन के परवाड़ू में भारी बाढ़, कई कारें बाढ़ के पानी में बह गई। परवाड़ू में भारी तबाही, शहर में घुसा बाढ़ का पानी। सोलन में भी भारी तबाही, पुलों पर पड़ा असर। बाढ़ के तेज बहाव की चपेट में एक पुल आकर एक हिस्सा गिर गया। सोलन में बाढ़ के उफान में कई गाड़ियां फंसी, कई घंटों तक मशक्कत के बाद निकलना मुश्किल। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश चलते उफनाए ब्यास नदी, नदी के बहाव में आकर बह गया ट्रक। सोलन के कंडा घाट के पास टूटी आसमानी आफत, भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, कई गाड़ियां बची। शिमला के कोटखाई के कोकू नाला में पुल का एक हिस्सा टूटा, आवाजाही बंद। चमोली में दिखाई पड़ा भारी बारिश का कहर, भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले पुल पर बुलडोजर आने से खतरा बढ़ा। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से बढ़ा नदी का जलस्तर, जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। पिथौरागढ़ में दिखा तेज बारिश का असर, चीन सीमा को जोड़ने वाली लिपुलेख सड़क बंद। दिल्ली में बाढ़ का असर, इंडिया गेट पर धस गई सड़क। ग्रेटर कैलाश में भी धसी सड़क, ट्रैफिक पर पड़ा असर। दिल्ली में बाढ़ का बड़ा खतरा, हथनी कुंड से छोड़ा गया पानी, यमुना खतरे के निशान के ऊपर। दिल्ली के यमुना से सटे इलाकों में पानी भरा, चलने लगी नावें। हरियाणा के अंबाला में सेना, एनडीआरएफ और पुलिस मिलकर कन्या गुरुकुल में फंसी 730 छात्राओं को बचाया, सामने आई तस्वीरें। उत्तराखंड में रेड अलर्ट, पहाड़ में नदियां उफान पर, कई जगहों पर भू कटाव से जनजीवन प्रभावित। धौलपुर में भारी बारिश से पूरा शहर पानी पानी, सड़कें बनी तालाब। लगातार हो रही बारिश के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा, रुद्रप्रयाग सहित केदारनाथ में भारी बारिश। पटियाला में बाढ़ के हालात, मदद के लिए आई सेना। कोटद्वार में भारी बारिश, नदियों में उफान। हरिद्वार में भारी बारिश, शहर के कई इलाके पानी पानी। चंद्रपुर में अस्थायी पुल पानी में बहा, 11 गांवों संपर्क कटा। मनाली रूट पर गिरे बड़े बोल्डर, हटाने का काम जारी। धारचूला में काली नदी में बाढ़ कहर, एक घर नदी में गिर गया। और पंचकुला में फ्लाईओवर का एक हिस्सा झुका, ट्रैफिक रोका गया।